जब आप ये ताल ठोकते हैं और इसके साथ मैं गोधन और गौमूत्र को भी जोड़ूंगा, तो फिर ऐसा क्यों है कि अगर हम गरीबी की बात करें, देश में 21.9% गरीब हैं, और पिछले साल लोकसभा के पटल पर ग्रामीण विकास मंत्रालय ने एक आंकड़ा दिया, उसमें 40% गरीब है जनता छत्तीसगढ़ की। अगर इतना विकास हो रहा है, इतना पैसा आप दे रहे हैं, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर आपने शब्द इस्तेमाल किया, फिर भी गरीबी इतनी क्यों? क्या ये एक चिंता भी है, चुनौती भी है? आज ही एक लोकल लीडिंग न्यूज़पेपर में फ्रंट पेज में खबर छपी है कि 40 लाख लोग हैं वो गरीबी रेखा के बाहर आए छत्तीसगढ़ में, आज ही छपा है और नीति आयोग की रिपोर्ट है। 40 लाख लोग ऊपर आए हैं, जबकि 15 साल के कुशासन में 40% लोग, RBI की रिपोर्ट है, 40% लोग गरीबी रेखा के नीचे थे, अब उसमें अब 40 लाख लोग ऊपर आ गए। तो ये करीब हम लोगों ने 4.5 साल में लगभग 1,60,000 करोड़ रुपए डायरेक्ट ट्रांसफर किया। तो संसद में गलत जानकारी दी ग्रामीण विकास मंत्रालय ने, नीति आयोग की रिपोर्ट है भाई, मैं नहीं कह रहा, वही मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। हाँ तो आज ही की रिपोर्ट है, आज ही आया नीति आयोग का। अब वो लोकसभा में क्या जवाब दे मुझे तो जानकारी नहीं है। तो लेकिन जो रिपोर्ट नीति आयोग का है, वो रिपोर्ट ये कहती है कि यहाँ 40 लाख लोग गरीबी रेखा से ऊपर आए हैं, क्योंकि हमने डायरेक्ट फंड ट्रांसफर किया। अरविंद केजरीवाल भी आज थे यहाँ पर, और वहां पर गारंटी वो देते दिखे, और उसमें रोजगार को, या मैं कहूं बेरोजगारी को, बड़ा मुद्दा उन्होंने बनाया। 10 लाख रोजगार सृजित करेंगे, और जो रोजगार नहीं पा पा रहा है उसे वो 3,000 रुपए महीना देंगे, आप 2,500 रुपए महीना देते हैं। बेरोजगारी क्या एक ऐसी समस्या है जिससे पार आप नहीं पाट पाए? नहीं, देखिए एक चीज, यदि बेरोजगारी की बात करें तो मैं यदि आंकड़ों की बात करूं, मैं 12 लाख किसान धान बेचते थे, आज 24 लाख किसान धान बेच रहे हैं। 2 लाख ऐसे किसान हैं जो गन्ना के भी हैं, जो कोदो कुटकी रागी के, 26 लाख किसान, मतलब 2017 में यदि 12 लाख थे तो आज 26 लाख किसान हैं। मतलब ये है कि जो गांव छोड़ के शहर लौट गए थे, खेती है वो लाभ का धंधा हुआ, और शहर से वो गांव की तरफ लौट गए, वो 14 लाख किसान। अब जो लघु उपज है उसमें आप देखेंगे 13.5 लाख लोग तेंदुपत्ता संग्रहण करते हैं, और उतने ही लोग लघु उपज संग्रहण करते हैं, और देश का 3/4 लघु उपज छत्तीसगढ़ में संग्रहण होता है, देश का 25% में पूरा देश है। और उसका हम समर्थन मूल्य घोषित किए, खरीदी की व्यवस्था किए, और उसका वैल्यू एडिशन भी कर रहे हैं, और उससे हजारों लोगों को रोजगार मिल रहा है। तीसरी बात, गौ पालन है, गोधन न्याय योजना जो हम लोगों ने शुरू किया, आज स्थिति यह है कि प्रतिदिन 50,000 लीटर दूध का उत्पादन छत्तीसगढ़ में बढ़ा है, मतलब डेयरी अब लाभ का धंधा होने जा रहा है। तो इस प्रकार से, और उसके बाद जितने भी गौठान है, 10,000 गौठान है, उसमें 2 लाख महिलाएं काम कर रही है, 3.5 लाख लोग गोबर बेच रहे हैं। तीसरी बात, अभी रूरल इंडस्ट्रियल पार्क हम लोगों ने शुरू किया है, देश में कहीं नहीं शुरू हुआ है, और 300 रूरल इंडस्ट्रियल पार्क जिसमें हम जमीन भी उपलब्ध करा रहे हैं, पानी बिजली सड़क वो भी उपलब्ध करा रहे हैं, शेड भी बना रहे हैं, और बैंकिंग की भी व्यवस्था कर रहे हैं, और लोगों को रोजगार से जोड़ने की हमारी कोशिश हो रही है, उसमें भी हजारों लोग उसमें आ रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि अभी 1,22,000 लोगों को हम लोग बेरोजगारी भत्ता दे रहे हैं, और उसमें 2,500 के हिसाब से हम लोगों ने देना शुरू किया है। उसके साथ साथ अभी उसी में से जो लोग हैं उसमें हजारों लोगों को नौकरी भी उपलब्ध करा रहे हैं। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए, और ये है इनकी बहु, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर, और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज़, आपको रखे आगे।